प्यारा गांव था, बिल्कुल हरा भरा गांव था। उस पे एक किसान रहता था। बहुत मेहनत करके वो अपना गुजारा करता था। खूब मेहनत करता था वो। एक दिन ऐसा आया जब उसे उसे अपने खेत के ऊपर कुछ कौओं का झुंड दिखाई दिया। उसे ये लगता कि ये रोज रोज मेरी खेती के ऊपर क्यों आ जाते हैं, पर उसने इस बात को गौर नहीं किया। एक दिन बीता, दो दिन बीता, पर ये बार बार होता रहा। और एक दिन ये क्या उसके खेत पे उन सारू कौओं ने अटैक कर दिया था। उसकी सारी फसल को वो बर्बाद कर रहे थे। उसके गेहूं चावल जो भी थे वो सब चूक चूक के उन्होंने खेत की हालत खराब कर दी थी। ये देखकर किसान को बहुत ही दुख हुआ। किसान ने सोचा, इन लोगों ने तो मेरी पूरी फसल ही बर्बाद कर दी है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ सोचा नहीं तो ये लोग इसी तरह मेरी फसल को बर्बाद करते रहेंगे। और उसने ये सोचा, क्यों ना मैं एक जाल बिछाऊं। जैसे ही मैं ये जाल बिछाऊंगा तो वो लोग जैसे ही आएंगे खाने के लिए तो इसमें फंस जाएंगे। तो उसने ये प्लान किया और उसने अपनी खेती में जाल बिछाया। और दूसरे दिन फिर से वो कौओं ने अटैक किया, पर ये क्या सारे कौए जाल में फंस गए थे। उसे देखकर जो खेती वाला था, जो किसान था, उसे तो बड़ी ही खुशी हुई। उसने कहा, बहुत अच्छा हुआ ये सारे कौवे इसमें फंस गए हैं। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अरे पर ये क्या एक प्यारी सी चिड़िया भी उस जाल में फंसी थी, पर रोज वो कौवों के साथ इस चीज का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ न कुछ करके उस किसान ने उस चिड़िया को छुड़ा दिया। देखा दोस्तों, ऐसा होता है, बुरी संगत का असर बहुत खराब होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हमेशा सही लोगों के साथ रहें, सही लोगों के साथ चलें। अगर गलत लोगों के साथ आप चलेंगे तो उनका जो हश्र होगा आपका भी वही होगा। जिस तरह कौओं ने गलत काम किया तो वो बेचारी चिड़िया बेकार में ही उसमें फंस गई थी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो जिस तरह किसान ने उस चिड़िया की गलती नहीं थी और उसे आजाद कर दिया था, तो वो तो उसकी किस्मत थी। पर जो कौवे बहुत ही बुरे थे, अटैक करते रहते थे, उनका हाल तो बड़ा ही बुरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। बाय बाय।